मुझे एक टीवी चाहिए। हाँ ये वाला। ये दो लव बर्ड्स को देखिए नाचते हुए आ रहे लव बर्ड्स। तो हम लोग जब शूटिंग करते हैं बहुत तामझाम होते हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग। हालांकि अभी मॉर्निंग नहीं रहा, लेट हो गया थोड़ा आज, पर आप लोगों से तो पहली बार ही मिल रहे हैं ना, तो इसलिए गुड मॉर्निंग। आज जा रहे हैं अभी एक शूटिंग पे, तो शायद आप लोगों को कुछ सरप्राइज मिल सकता है, तो देखते हैं, चलिए सरप्राइज दे पाते हैं कि नहीं। दिन बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट था पुराना, यहीं पे ही था इस तरफ। कितना अच्छा रास्ता है यहाँ पे देखिए। नहीं कहा गांव में शूटिंग हो रहा है। अरे भाई बहुत खराब रास्ता है। एकदम गांव के अंदर अंदर से जा रहे हैं भाई। मैडम साइड दे दीजिए मैडम। पूरी जाते वक्त ऐसे गांव के अंदर से गया था, याद है मुझे। भाई मुझे पता ही नहीं था कि कैलकटा के अंदर ही, मतलब आधा घंटा दूरी में कैलकटा से ऐसे गांव भी है। कभी आया नहीं मैं जिंदगी में यहाँ पे। अच्छा गांव के अंदर से फिर से मेन रोड पे आ गया। अभी यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। ओके तो हम लोग जब शूटिंग करते हैं बहुत तामझाम होते हैं यहाँ पे। और ये लेडी को देखिए, ये मेरी पुरानी दोस्त है। सेट पे आते ही बहुत लोगों से मिल रहे हैं। गाइस इनको याद है। इन्हीं के वीडियो में 10,000 के हुआ है। 10,000 भाई का BMW लेके वहाँ पे रोला मचाया था ना बॉम्बे में, इसीलिए 10K आप लोग कर दिए। एनीवे भाई से आज मिलने आए क्योंकि भाई यहाँ पे कैलकटा में आया है शूटिंग करने के लिए, तो मैं ना हूँ ये तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई ने मेरा बॉम्बे में जो ख्याल रखा है। ऑफ कोर्स आई है मेरा ज्वेल। तो इसलिए आज आ गए भाई का शूटिंग पे। बढ़िया जगह पे शूटिंग हो रहा है आज। सो गाइज शूटिंग तो अभी भी चल रही है। मैं निकल के आया वहाँ से क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। पूरा गांव है, अंधेरा है चारों तरफ। ये तो मुझे वो वाला फील दे रहा है, आप लोगों को शायद याद है जब मैं वाइट रन से निकल रहा था रात को, तो वही वाला फील दे रहा है। अभी मेन रोड मिल गया मुझे। यहाँ से सिटी दिखा रहा है 3 किलोमीटर। सिटी में आते ही ट्रैफिक, भाई भयंकर ट्रैफिक हो रखा है। यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, ये आदमी गिर गया बाइक से। आई होप उसको चोट नहीं लगा। क्या ट्रैफिक है भाई, रेंगते रेंगते जा रहे हैं। गाइज आज बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद मैं सेट में गया, शूटिंग सेट पे। पुरानी वाले दिन याद आ रहा है मुझे जब हम लोग शूटिंग करते थे रात भर दिन भर धूप में बारिश में ठंड में मच्छर में। गॉड पुराने लोगों से मिला सेट पे, अपना पुराना पुराना कॉस्ट्यूम दादा लोगों से भी मिला। वो लोग मिलके बहुत खुश हुए कि वो बता रहे कि वो लोग मेरा चैनल भी देखते हैं। वो लोग तो वो बोल रहे थे कि आपका वीडियोस देखा, आप घूम रहे हो इंडिया, ऐसा एक प्रोफेशन छोड़ के जहाँ, मतलब मैं फैशन डिजाइनिंग में था,
वो छोड़ के कैसे ये प्रोफेशन में आया, दे वर आस्किंग मी लाइक हाउ आई गॉट इनटू दिस थिंग। हाँ, और एक्टर भी मेरा दोस्त था, इसका जो एक्टर है देव जीशु शेन गुप्ता, आप लोग जानते हो बॉलीवुड में भी काम करते, और देव तो बंगाल का सुपरस्टार है, जो लोग बंगाल से देख रहे हो उन लोगों को पता है, देव से भी मिला बहुत सालों बाद, वो भी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उससे भी काफी सारे बातें हुए, पुरानी बातें, मिला जुला के बहुत अच्छा था बहुत दिन बाद। और आप लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि मैं शूट नहीं करना चाहता हूँ किसी सेलिब्रिटी को सेट पे जाके, क्योंकि क्या होता है हम लोग जो लुक सेट करते हैं ना उसका एक फर्स्ट लुक होता है, एक लुक रिवील होता है, तो इसीलिए मैं अगर अपना व्लॉग में लुक रिवील कर दूंगा तो वो मूवी के शूट के लिए अच्छा नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिज दैट। मैंने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में बहुत साल, तो मुझे ये पता है ये चीज़, ये ब्रिज नहीं करना चाहिए। मुझे पूछने में भी थोड़ा बहुत हेजिटेशन फील होता है क्योंकि ये मुझे पता है ये नहीं पूछना चाहिए, और अगर ना कर दिया तो वो और ख़राब लगेगा, क्योंकि बोल सकता है कि तुम तो जानता है कि हम लोग लुक रिवील नहीं करते, या तो मीडिया के सामने करते हैं, मीडिया कोई मीडिया हाउस में करते हैं पहले लुक रिवील। तो एनीवे, अगर कभी सेट के बाहर मिले तो ज़रूर आप लोगों से भी मिलवाएंगे पर्सनली मिले तो। मैडम जी आज कॉफ़ी तो पिलाएगी ना? पूछना पड़ेगा क्यों मैडम जी? कॉफ़ी तो पिलाएगी ना? अच्छा, आईफोन 15 तो पिला दो कम से कम। किडनी इससे क्या होती है? मुझे एक टीवी चाहिए। हाँ, ये वाला। ये दो लव बर्ड्स को देखिए नाचते हुए आ रहे हैं, लव बर्ड्स। दो साल बाद इन लोगों से बहुत सालों बाद मिला मैंने। क्या हुआ? एडिटर मैं हूँ, काटूंगा मैं। मॉल आए तो कितने लोगों से मिल रहे हम, ये व्लॉग है। सब पुराने पुराने दोस्त। कितना अच्छा मूवी देखा हम लोगों ने, बोलो। हाँ, अच्छा मूवी देखा ना। अरे वाह, अच्छा गाड़ी दिख गया, दिखाता हूँ कितनी अच्छी दिख रही है। आज हुआ जो मैं सुनवा, कपल कपल लग रहे। गाइस, रास्ता देखिए पूरा खाली एकदम, कोई नहीं है। पालीगंज सर्कुलर रोड पे सुनसान सड़क। हम तीन थे ना, और एक कहाँ है? उत्तरी कहाँ से निकली है? डर गया मैं, डर गया। इससे अच्छी तो कोई हॉरर फिल्म देख ले। क्या देख के आ गए? क्यों देखा? कौन सा मूवी देख लिया तुमने ऐसा? तुम्हारे वजह से देखना पड़ा जी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इतना खराब मूवी जी। इतनी रात को सारे कलकत्ता बंद है लेकिन यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे लगाएंगे गाड़ी में, खाना खाएंगे। कोई तो आए ऑर्डर लेके जाए। चलो चले। तो यहाँ पे हम लोग एक जमाने पे रात को पार्टी करके खाने के लिए आते थे। मैं तो नहीं। मैं था। 3-4 बजे पार्टी एनिमल, पार्टी पशु। पार्टी को सुबह 6 बजे भी खाना खाया है। यहाँ पे बढ़िया खाना मिलता है। हाँ, अभी भी 20 साल पहले जैसा था, अभी भी ऐसा ही है। सो गाइज, फाइनली डिनर खत्म करके घर जा रहे हैं।
मैडम जी और मैडम जी के सिस्टर दोनों निकल गए घर के लिए और मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, गुड नाइट। ये ट्राम लाइन के ऊपर से कभी कभी गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्कीड करता है। आज थोड़ी सी बारिश हो गई थी इसलिए आज बहुत स्कीड कर रही है।